नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत जमशेदपुर पूर्व के 7 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रशासन को नहीं सौंपा है। इस पर एसडीओ सह पूर्वी के निर्वाची पदाधिकारी चंदन कुमार ने बुधवार की शाम सभी को शो कॉज नोटिस भेजा है। जिन प्रत्याशियों को शो कॉज जारी हुआ है उनमें कांग्रेस के गौरव वल्लभ, झाविमो के अभय कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के धर्मेंद्र कुमार शर्मा, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के सामेरा तिर्की, निर्दलीय गोपाल लोहार व राजेश कुमार सिन्हा शामिल है। जमशेदपुर पश्चिम के 12 प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रशासन ने बुधवार को सार्वजनिक किया। इसके अनुसार निर्दलीय धर्मेंद्र कुमार सिंह अब तक सबसे ज्यादा 52,966 रुपए खर्च किए हैं। दूसरे नंबर पर बसपा के शंकर प्रताप हैं, जिन्होंने 38,052 रुपए नामांकन से अब तक खर्च किए हैं। वाईकेपी के आनंद कुमार पत्रलेख ने 22,000, राइट टू रिकॉल पार्टी के इंद्रजीत कुमार चंदेल, शिवसेना के तारकेश्वर तिवारी व निर्दलीय ईश्वर राणा ने 10,000 रुपए, अमरा बंगाली पार्टी के देवजानी विश्वास ने 15,730 रुपए, निर्दलीय कुंज बिहारी ने 18,962 रुपए, ज्ञान सागर प्रसाद ने 12,000, बंटी कुमार ने 24,378 रुपए, विजय कुमार सिंह ने 11,390 रुपए, आरडीपी के इंदु हेम्ब्रम ने 10,508 रुपए व निर्दलीय धर्मेंद्र कुमार सिंह ने 52,966 रुपए खर्च किए हैं। धन्यवाद। Thank you.